Class 10 students, now in this class we are going to discuss a very word model question. Usually that question has come from this topic real number, in which you have to prove that the square root of a non-perfect square number are irrational numbers. So the very first, in a very nutshell, in a very short, in a very brief, we will discuss about what are irrational numbers. We have studied about irrational number in class 9. Can anyone explain what you understand by irrational number? Anyone? Raise your hand. Very good. Non-terminating and? Non-terminating. Very good. Because decimal chapter class 9, the first topic you have studied as that one. That non-terminating and non-repeating decimal, non-terminating and non-repeating decimals, they are called irrational numbers. Okay, this type of questions are proved by contradictory logic. What do you understand by contradict? Contradict मतलब जो हम समझ रहे हैं चीजें ठीक उसके उल्टा, हाँ उल्टा, उसके अपोजिट हो, ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्या नाम था तुम्हारा? आयत. मान लीजिए हम एक आयत का एग्जांपल ले लीजिए. We assume that Ayat is not a good girl. Is not a good girl. हमको क्या प्रूव करना है कि वो गुड गर्ल है. हमको प्रूव करना है कि वो गुड गर्ल है. उसका हमने क्या अज्यूम कर लिया? उसका अपोजिट, उसका कंट्राडिक्ट हमने अज्यूम किया कि Ayat is not a good girl. अब जो आयत की दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आप हमको पॉइंट दीजिएगा. आउट ऑफ 10, व्हाट अबाउट हर स्टडी? आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स दोगे आपको बताओ? 9. व्हाट अबाउट हर फ्रेंडशिप बिहेवियर? आउट ऑफ 10 5. और बच्चे बताओ. What about her behavior? लड़की लोग मुंह पर मास्क है तो मुंह भी बंद है क्या? तुम लोगों का 10. अब मैं आगे बढ़ता हूं. When we go through these points, study 9, that friendship behavior 7, friendship attitude 7, behavior 10 out of 10. तो हम लोगों ने जो माना है, वो जो रिसर्च हम लोग का आया, उसका क्या आया? कॉन्ट्राडिक्ट आया. विच मीन्स व्हाट वी हैव एज्यूम इज कंट्राडिक्टरी टू आवर अजम्पशन. वेरी गुड. कंट्राडिक्टरी टू आवर अजम्पशन, विच मीन्स Ayat इज ए गुड गर्ल. अंडरस्टूड? नाउ सपोज यू हैव टू प्रूव रूट 3 इज एन irrational number. What is the opposite of irrational? तो हम रूट थ्री को क्या assume करेंगे बच्चों? Let root 3 is a rational number. अब rational number assume कर लिए तो rational number का format क्या होता है? That root 3 is equal to P upon Q. Condition P is an integer, Q is an integer, but Q is not equal to 0. एक और चीज हम लोग assume करते हैं बच्चों, एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं को प्राइम. What are को प्राइम? को means pair. Pair of number having one as a common factor. दो ऐसी संख्याएं जो केवल किससे कटे?
एक से कटे, वो इंडिविजुअली अलग अलग नंबर से कट सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए 16/25, 16 इज डिविजिबल बाय 1 2 4 8 16, 25 इज डिविजिबल बाय 1 5 एंड 25, दिस विल बी 1 2 4 8 एंड 16, इंडिविजुअली दे आर डिविजिबल बाय डिफरेंट नंबर्स, ओके, दे आर नॉट प्राइम, बट व्हेन दे कम टुगेदर दे आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि दो ऐसी संख्याएं जो किससे कटे, केवल एक से कटे, इज इट क्लियर? तो ये कंडीशन बहुत जरूरी है, हम लोग मान लेंगे कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, ये बहुत जरूरी है बच्चों, इसको इस स्टेटमेंट को लिखना। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ रूट थ्री इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब यहां क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करो, ठीक है, पी स्क्वायर क्या हो गया हमारा 3 क्यू स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। अब इस पर थोड़ा हमसे डिस्कस कीजिए, Q कैसी संख्या है, नॉन जीरो इंटीजर, जीरो को छोड़कर जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो इस संख्या में आते हैं, यानी कि एक पक्का पक्की नंबर है, एक पक्का पक्की नंबर है 1 2 3 4 5, जीरो को छोड़कर। तो P स्क्वायर अपॉन 3 हमारे किसके बराबर है, पक्का पक्की नंबर के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो p स्क्वायर है किससे डिविजिबल है, 3 से, ठीक है, लिखेंगे 3 डिवाइड p स्क्वायर, अच्छा p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड p आल्सो। ये समझ में आएगा नहीं बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 16 एक संख्या है जो 2 से कटती है, ये 4 स्क्वायर है, 4 से कटती है, ठीक है ना, तो 4 भी तो 4 से कटेगा ना, इसका स्क्वायर रूट। अच्छा अब इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, 3 डिवाइड पी। अब पी के विषय में सोचो, वो एक ऐसी संख्या है जो हमेशा किस नंबर के पहाड़े में आती है, वेरी गुड, पी एक ऐसी संख्या है जो हमेशा 3 के पहाड़े में आती है, क्यों, क्योंकि ये पी संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाती है, विभाजित है, तो पी एक ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी तरह से, तो पी जो है 3 के पहाड़े में आती है। लोकल लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि पी कम्स इन द टेबल ऑफ 3, इसको आप समझने के लिए यहां लिख सकते हैं कि पी कम्स इन द टेबल ऑफ 3। मैथमेटिकल में लैंग्वेज में कह लेंगे कि p इज मल्टीपल ऑफ 3, उसी को हम कह लेंगे p इज मल्टीपल ऑफ 3। अब यहां ध्यान से देखो, p कोई निश्चित संख्या नहीं है, p अगर 6 है तो कितना बार, कितने बार पहाड़े में आती है, 2 बार, 12 है तो कितना बार में आती है, 4, 30 है तो कितना बार आती है, 33 है तो कितना बार, 60 है तो कितना बार, तो हम यहां एज्यूम कर लेंगे कि लेट p इज इक्वल टू 3x, ये x क्या हुआ हमारा 1 2 4 11 12 20, सब जो बोले थे ना वही है, मैंने कोई संख्या p की 3 के पहाड़े में कोई संख्या। अब फिर इसमें क्या करो, स्क्वायर करो, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, क्यों हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इक्वेशन 1 में देखो तो p स्क्वायर क्या है बच्चों, 3q स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, कहां से मिला, फ्रॉम 1, यानी कि q स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 9x स्क्वायर अपॉन 3, दैट्स इक्वल टू 3x स्क्वायर।
अब यहाँ क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर अपॉन थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा पी, पी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर अपॉन थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यही कंडीशन यहां आ गया ना, एक मिनट में फिर से देखा इक्वेशन वन कहां से एज्यूम किया, फ्रॉम इक्वेशन वन, तो पी स्क्वायर जो सर ये क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी कि थ्री डिवाइड किसको, थ्री डिवाइड क्यू स्क्वायर एंड थ्री डिवाइड क्यू, जो q स्क्वायर को 3 डिवाइड करते हैं, q को भी डिवाइड करेगा ना, वही स्टेटमेंट हो गया। तो हम लोगों ने जो एज्यूम किया कि p और q क्या है हमारा को प्राइम है, हमने क्या एज्यूम किया को प्राइम है, को प्राइम की कंडीशन क्या होता है, केवल वो एक संख्या से कटता है। तो यहां पर आप मान लीजिएगा इक्वेशन ये हो गया हमारा 2 और ये हो जाएगा इक्वेशन 3, तो फ्रॉम 2 and 3, P and Q are divisible by 3, which is contradictory to our, वही लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, which is contradictory टू आवर एजम्पशन जो हम लोगों ने माना था आयत के विषय में या इस संख्या में। सो रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, या इसमें एक दो कंडीशंस है, तो मे बी टुडे आई विल टेक दैट क्वेश्चन। God bless you, my dear students.